आपकी बुक के पीछे का आंकिक प्रश्न है 3.7। कहता है दो रूट टू मीटर भुजा वाले वर्ग ए बी सी डी के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रो कूलम का आवेश रखे गए। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की मान क्या करो, गणना। बड़ा आसान प्रश्न है कि ये आपके पास क्या है, एक वर्ग है ए बी सी और डी, इसकी भुजा कितनी है 2 रूट 2, ये भी कितना है 2 रूट 2 मीटर है, ठीक है। मुझे इसका ये क्या चाहिए, विकर्ण। तो देखो ये क्या एक समकोण त्रिभुज ही तो है, और समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर। तो 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, टोटल कितना हो जाएगा 8। तो 8 प्लस लंब का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना 8, अंडर रूट 8 और 8 कितना 16, 16 का मतलब कितना है 4। तो ये दूरी कितनी है, टोटल 4 है। इसी प्रकार से ये विकर्ण भी कितना होगा 4। जब विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो समद्विभाजित करेंगे, कुल 4 है तो आधी कितनी हो जाएगी 2, ये आधी भी कितनी होगी 2, ये भी कितना होगा 2 मीटर, और ये भी कितना होगा 2 मीटर होगा। क्लियर है, प्रत्येक कोने के ऊपर 2 माइक्रो कूलम का आवेश है। यहाँ पे भी 2 × 10⁻⁶ कूलम है, यहाँ पे भी 2 × 10⁻⁶ कूलम, यहाँ पे भी 2 × 10⁻⁶ कूलम, और यहाँ पे भी कितना है 2 × 10⁻⁶ कूलम। और बोला है केंद्र पे कुल विभव ज्ञात करो। तो बताइए इस केंद्र के आसपास कुल कितने आवेश हैं, कुल आपके पास 4 आवेश हैं, तो विभव भी कितने होंगे 4। आवेश ए के कारण विभव कितना होगा वी ए, आवेश बी के कारण विभव वी बी, आवेश सी के कारण विभव कितना वी सी, और आवेश डी के कारण विभव कितना है वी डी। सबके आवेश कितने हैं क्यू 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 और क्यू, ठीक है। तो केंद्र पे कुल कितने विभव आएंगे 4, वी ए वी बी वी सी और वी डी। विभव कैसी राशि, अदिश, तो गणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। तो बोलेंगे केंद्र पर कुल विभव, कुल विभव, तो कुल विभव होगा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। वी बराबर वी ए का मान कितना होगा के, आवेश क्यू, दूरी कितनी है 2, क्योंकि आपने तो सूत्र ही पढ़ा है बिंदुवत आवेश क्यू आर दूरी पर, यदि बिंदु पी होगा तो विभव का सूत्र क्या लिखा जाएगा के क्यू बटा आर। प्लस वी बी का मतलब कितना है के, बी पे भी आवेश कितना है क्यू, दूरी कितना है आपके पास आर, प्लस सॉरी 2। वी सी का मतलब कितना है के, सी पे भी आवेश कितना है क्यू, दूरी कितनी है 2। प्लस वी डी, देखो डी पे भी आवेश कितना है क्यू, और डी से लेके केंद्र तक की दूरी भी कितनी है आपके पास 2 है, तो के क्यू बट्टा 2। तो ये तो सब समान ही, तो 4 बार जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 4 के क्यू बट्टा 2, कितना बचा 2। वी बराबर कितना आया 2, के का मान 9 × 10⁻⁹, और क्यू आवेश का मान है 2 × 10⁻⁶, −6 + 9 कितना बचेगा प्लस का 3। अब 2 × 2 = 4, 4 × 9 = 36, तो V बराबर कितना होगा 36 × 10³ वोल्ट। या फिर यदि एक पॉइंट आप लेफ्ट में लेके जाएंगे तो घात में +1 करना पड़ेगा, 3.6 × 10⁻ कितना हो जाएगा फिर 4 वोल्ट, दैट इज आवर आंसर। तो यदि आपको बुक का आंसर चाहिए, देखो बुक का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 36 × 10⁵ वोल्ट, और ये तब आएगा जब ये दूरी मीटर में ना हो, मीटर की जगह दूरी किस में हो, सेंटीमीटर में। उससे होगा क्या, देखो आपके पास ये विभव था, विभव कितना आया था 36 × 10³, नीचे दूरी चढ़ी थी, ये जो नीचे दूरी चढ़ी दूरी मीटर में ली थी हमने, इस मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻²− 2 लगाएंगे, -2 ऊपर जाएगा अब इसका, तो वी कितना हो जाएगा 36 × 10⁻² कितना हो जाएगा आपके पास टोटल +5 वोल्ट, और यही आपका बुक का क्या है आंसर। तो कंसेप्ट सही होना चाहिए, आंसर चाहे कुछ भी आए आपके पास, अगर ये सेंटीमीटर में होता है तो जो बुक का आंसर शो हो रहा है वही हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं।